नमस्कार, मेरा नाम रीना है और आप सभी को मेरे चैनल रीना कैटरी में स्वागत है। आज हम घर पे पालक पनीर की सब्जी बनाएंगे, जो कि रेसिपी मेरे पापा की है और वही आज मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। और पालक पनीर की सब्जी खासकर बच्चों को बहुत पसंद होता है, एटलीस्ट मुझे बहुत पसंद है। जब भी मेरे को कोई हरी सब्जी खाने का मन होता है तो मैं ये खाती हूँ। रेसिपी पसंद आ रही हो तो रेसिपी की वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूले। और अभी हम अपना पालक पनीर की सब्जी बनाना शुरू करते हैं। और हम अपने पालक पनीर की सब्जी बहुत ही आसानी से बनाएंगे, जो कि बहुत जल्दी बन जाएगा और खाने में बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। हमारी पालक पनीर की सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर पालक लिया था आधा किलो, जिसको साफ कर अच्छे से वॉश कर लिया था। और यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई में आधा कप पानी को गर्म कर लिया है, आप देख सकते हैं। और इसमें अब अपने पालक को उबालेंगे। हमें ज़्यादा नहीं उबालना है, बस अपने पालक को सॉफ्ट करना है। उसके लिए हमें 1.5 से 2 मिनट का टाइम लगेगा। अगर हमने अपने पालक को ज़्यादा पका लिया, उससे हमारे पालक के कलर चला जाएगा, इसलिए हम अपने पालक को ज़्यादा नहीं पकाएंगे, सिर्फ सॉफ्ट करेंगे। और ये देखें, हमारे पालक हल्के सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और इसको ठंडा होने देंगे। उसके लिए एक बर्तन में निकाल लेते हैं। हमारा पालक जब तक ठंडा हो रहा है, जब तक हम अपना पैन गर्म कर लेते हैं और अपना मसाला तैयार कर लेते हैं। और अब हम इसमें सबसे पहले ऐड करेंगे ऑयल। 2 टेबल स्पून ऑयल है, रिफाइंड ऑयल है। इसको भी हम अच्छे से गर्म होने देंगे। हमारा तेल गर्म हो गया है, इसमें ऐड कर देंगे जीरा, क्यूमिन सीड्स। इसको हल्का भून लेते हैं। और इसी के साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन। मैंने यहाँ पर 4 कलियाँ लहसुन लिया था, जिसको छील कर इसका पेस्ट बनाया है। और इसमें डालकर इसका कच्चापन दूर करेंगे हम। और इसी के साथ ही हम मैंने यहाँ पर फीकी वाली मिर्ची 3 लिया था, इसमें ऐड कर देंगे। मैंने जिसको अच्छे से कट कर लिया, आप देख सकते हैं। फीकी वाली मिर्ची इसलिए मैंने यहाँ पर 3 लिया था। और इसको भी साथ ही साथ अच्छे से पका लेते हैं। इसी के साथ ही अदरक भी डाल दिया है। मिर्ची के साथ मैंने अदरक को भी कट कर लिया था, 1 इंच अदरक को। और मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिया था, छील कर मैंने अच्छे से कट कर लिया, आप देख सकते हैं। और अपने प्याज को भी हल्का पका लेते हैं। और अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पर 2 टीस्पून नमक लिया है, ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। नमक हमने इसमें अभी इसलिए डाला है ताकि हमारा प्याज अच्छे से जल्दी पक जाए। हम अपने मसालों को कम फ्लेम पर ही पकाएंगे ताकि हमारे मसाले बिना जले अच्छे से पक जाए। और हमारा पालक अच्छे से ठंडा हो गया है। इसको अब हम एक मिक्सी के जार में डालकर हम अपने पालक को दरदरा पीसेंगे, एकदम पेस्ट नहीं बनाएंगे, बस हल्का दरदरा पीसेंगे। इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल देंगे और मिक्सी की जार में डाल देंगे। और अब हम इसमें अपने प्याज में थोड़ा पानी डालेंगे, ये वही पानी है जिससे हमने अपने पालक को उबाला था, थोड़ा ही डालेंगे, जो 2 चम्मच जितना पानी डाल दिया हमने। और अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको हम अच्छे से पका लेंगे हाई फ्लेम पर। और अब हम इसमें अपने मसाले ऐड करेंगे। हम इसमें 1 टी स्पून मिर्ची पाउडर ऐड करेंगे, हम इसमें थोड़ा ही ऐड करेंगे क्योंकि हमने हरी मिर्च भी ऐड किया था। और 1 टी स्पून धनिया पाउडर, मसाले का यूज़ हम कम ही करेंगे क्योंकि हमें पालक का कलर एकदम ग्रीन ही रखना है। और अब हम इसमें पनीर ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पर 250 ग्राम पनीर लिया था, जिसको स्क्वायर शेप में कट कर लिया, आप देख सकते हैं। आप इसको किसी भी शेप में कट कर सकते हैं। हम इसमें इस टाइम पर ऐड कर देंगे और अच्छे से ऊपर से नीचे करते हुए हम मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए, हमने पालक को दरदरा पीस लिया है। और आप देख सकते हैं, हमने इसका पेस्ट नहीं बनाया, इसमें ऐड कर देंगे। और पनीर और पालक दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे सभी में।
और हम अपनी मटर पनीर की गर्मा गर्म सब्जी के साथ सर्व करेंगे रोटी। ये मैंने रोटी लिया दो, जिसको हम अपनी सुपर टेस्टी पनीर पालक की सब्जी के साथ सर्व करेंगे। ये आप पराठे के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, ये किसी के भी साथ बहुत ही टेस्टी लगता है। साथ ही साथ इसको बनाना भी बहुत आसान है। आप देख सकते हैं कितना जल्दी बना है और ये रेसिपी हर कोई पसंद करेगा। तो आप भी इस रेसिपी को घर पे बना के जरूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए हमारा पालक पनीर की सब्जी बन के तैयार हो गई, ये कितना सुंदर बना आप देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप सभी को ये रेसिपी पसंद आई हो तो रेसिपी के वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूले। और चैनल पे नए हो तो रीना कैटरिंग को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाले बेल आइकन को क्लिक कीजिए, उससे हम नए नए रेसिपीज लाते रहेंगे और रेसिपी के वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। तो हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार एंड हैप्पी न्यू ईयर।